किरण होता जा रहा है। कुछ कहना है? हाँ क्या बोले? कौन सी विशेष आत्मा यज्ञ में आई? माने हर 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 एक वर्ष में कौन सी विशेष आत्मा आई, ये निकालना जरूरी है। हाँ ये मुरली में बोल के छोड़ दिया। कहाँ बोली थी? इसमें कोई विशेष आत्मा यज्ञ में आती है? यज्ञ में आती है। हाँ 66 में कौन से धर्म की शूटिंग विशेष होना शुरू हो जाती है? सिक्सटी फाइव तक तो कौन से धर्म की शूटिंग चल रही थी? है देवी देवता धर्म की शूटिंग चल रही थी। क्यों चल रही थी? अरे कोई कारण होगा क्या? ऐसे ही बोल दिया। माता पिता प्रवृत्ति मार्ग में निमित्त रूप में दोनों मौजूद थे और सारे परिवार का संचालन एक स्थान से हो रहा था। माउंट आबू से सारे परिवार का, सारे विश्व ब्राह्मण परिवार का संचालन हो रहा था। 65 के बाद क्या हुआ? मम्मा ने चली छोड़ दिया। तो जो देवताओं का जीवन होता है उसमें विधवाएं तो होती नहीं, विधुर तो होते नहीं। और जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो विधवाएं भी होती हैं और विधुर भी होते हैं। तो 66 में ब्राह्मण परिवार के जो मुखिया थे उनका क्या हाल हुआ? है विदुर बने कि नहीं? है विदुर बने। अच्छा विदुर बने इतना तक तो सीमित, विदुर बन जाए विधवा बन जाए। लेकिन भारतीय परंपरा में विदुर बने या विधवा बने, बाल बच्चेदार बने, फिर दूसरी शादी कर ले, ये अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? बुरा माना जाता है। तो ब्राह्मण परिवार के मुखियाओं में क्या हुआ? मम्मा तो गई, फिर मम्मा के ये स्थान पर कोई गद्दी पर दूसरा तो नहीं बैठी है? कोई नहीं बैठा। बोलते कोई नहीं है, मारे डर के मरे जा रहे हैं। बैठ गया ना। और कौन बैठ गया वो भी मुरली में बता दिया। मुरली में बताया इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का जी। और फिर ये भी बता दिया इन सब पतित दुनिया में जिनकी बहुत खातरी होती है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो परिवार का जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में पहुंच गया? और जिसके हाथ में पहुंच गया वो व्यक्ति तो मम्मा बाबा की नजरों में विशेष तो था ही। किसी भाव के लिए खास बोला है कि बाबा सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करते थे? ऐसे बड़ी जिम्मेवारी कौन से व्यक्ति को सौंपते थे? भाव को। और कन्या माताओं ने सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर किया? कुमार का दादी के ऊपर किया। अभी भी जो अध्यक्ष वाणियां चल रही हैं
उन वाणियों से क्या साबित होता है, है? भले शरीर छूट गया तो भी ज्यादा से ज्यादा विश्वास किसके ऊपर है, व्यक्तित्व के ऊपर है। और सूची के हिसाब से ये जाहिर होता है। और वो अपने मुख से भी कहती थी, यहाँ भी मैं ममना बाबा के गद्दी नसीन हूँ और वहां भी ममा बाबा की गद्दी नसीन बनती रहूंगी। यहाँ शूटिंग हो रही है तो वहां भी शूटिंग होगी। तो वहां जब शूटिंग होगी नई शक्ति की दुनिया में उन आत्माओं की कि मम्मा बाबा के गद्दी नसीन बनेंगे, तो कौन से नंबर के नारे हुए? सेकंड नंबर के नारे हुए, नंबर दो के नारायण हुए। नंबर दो अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? नंबर दो की चीज तो बहुत बुरी मानी जाती है। नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच के बारे में नहीं कहेंगे क्या? पहले वर्ष नंबर दो का माल है क्या? शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। तो नंबर दो का जो नारायण है उसमें कौन से नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है? इस्लाम धर्म का ही धर्म पिता प्रवेश करेगा। नंबर दो का दुनिया का जो धर्म है वो ही धर्म पिता उसमें प्रवेश करता है। क्योंकि मुरली ने बोला है ऊंचे से ऊंचे बाप को जरूर ऊंचे से ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। तो धर्म पिताओं के बीच में जो जिस नंबर के धर्म पिताएं हैं उन धर्म पिताओं को उसी नंबर के देवता में प्रवेश करना पड़ता है। तो आत्मा कौन से धर्म की साबित हो गई? इस्लाम धर्म की साबित हो गई। अब जब इस्लाम धर्म के हाथ में सत्ता आ गई तो कुमार का दादी आधार मूर्त है या बीज रूप आत्मा है? आधार मूर्त आत्मा है। आधार माने जड़े, जड़े ज्यादा विस्तार वाली होती है या बीज ज्यादा विस्तार वाला होता है? बीज ज्यादा विस्तार वाला होता है। बीज छोटा होता है और जड़े लंबी चौड़ी विस्तार वाली होती है। तो उस समय से लेकर के अब तक भी ब्राह्मणों की दुनिया में उन इस्लामियों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। तो माता का प्रश्न ये था कि सन 66 में कौन सी आत्मा पहले पहले आई जो परिवर्तन शुरू हो गया? तो अब बताओ कौन सी आत्मा आई होगी? घुमाना मैंने तो पहले से ही थी, जैसे कि आग से ही थी। आग में नहीं थी क्या? कराती में नहीं थी क्या? हाँ थी सर। वो मम्मा के कंट्रोल में थी। कौन? कुमार का। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है सन 66 में कौन सी आत्मा आई जो ब्राह्मण परिवार में ये परिवर्तन शुरू हो गया? जैसे भक्ति मार्ग में मानते नहीं, घर में ऐसा बच्चा आया कि परिवार की हालत ही सुधर गई। छोटी माँ आई इसलिए हालत बिगड़ गई। छोटी माँ के परिवार में आने से हालत बिगड़नी चाहिए या सुधरनी चाहिए? सुधरनी चाहिए, ये तो बात गलत हुई कि छोटी माँ ज्ञान यज्ञ में आई, बेसिक में आई तो हालत बिगड़ गई यज्ञ की, ये तो तोहमत लगा दी। तो वो निमित्त हुई या कोई और आत्मा है? रमेश भाई। रमेश भाई, रमेश भाई कैसे? रमेश भाई बेसिक नॉलेज के बतौर ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर बड़े से बड़ा पूंजीवादी साबित हो रहा है या कमजोर देश वाला साबित हो रहा है? सबसे ज्यादा ताकत क्रिश्चियंस के हाथ में है क्या? दुनिया के हिसाब से मायावी देश कौन सा है? अमेरिका।
बाबा ने उसका अर्थ बताया, अमेरिका का क्या बताया? आ मेरे है कहा, आओ मेरे हो क्या? माने मेरे नहीं हो, माया के हो क्या? मेरे नहीं हो, माया के हो। इसलिए जो वर्ग नुवर शब्द बनाया ना बाबा से छुपा के, उसमें किसका नाम डाला? नहीं अपना तो डाला नहीं, कुमार का दहना वहां आ गया उसका क्या? किससे प्रभावित होकर के किया? माया से प्रभावित होकर के किया। ऐसे ही ढेर के ढेर जो चित्र बताए बाबा के पास, चार चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। इनको छत इतना ऊंचा ऊंचा बनाओ तो अंधे की आंख, औलाद अंधों की आंखें खुले। कहा था ढेर के ढेर चित्र बनाने से टू मैनी कोई इसका पहाका हो जाता है। कोई राजा को बहुत रानियां हो तो बुद्धि कहां भरमाई जाएगी? हर रानियों में भरमाई जाएगी, राजकाज सारा छूट जाए। तो ऐसे ही ढेर के ढेर चित्र जब पब्लिक के सामने रखे जाएंगे तो बुद्धि भ्रमित तो हो जाएगी या एकाग्र बनेगी? भ्रमित तो हो गई। तो ढेर के ढेर चित्र किसने बनाए? रमेश भाई ने बनाए। तो किसकी मत पर प्रभावित होकर के बनाए? कोई माया देती है जिसने डायरेक्शन दिया होगा। अब ढेर के ढेर चित्र बनाओ और उन्होंने बना दी। तो रमेश का किसी ने नाम लिया था, वो जो मायावी दुनिया की शुरुआत है उसका बीज नहीं है क्या? कुमार का दादी भी मायावी दुनिया की बीज नहीं है, जड़ हो सकते हैं, विस्तार हो सकते हैं। बीज कौन है जो संख्या छठ में आया? कराची से ही निकले हुए। जब कराची से आए थे पाकिस्तान से, उस समय से ही जगदीश भाई निकले हुए। दिल्ली में तो कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ, उसके मुखिया बनाए गए। मेरे गोखला से 11 किलोमीटर साइकिल चला करके वो जाता था। शुरू शुरू में जब ज्ञान समझा था, कमला नगर सेंटर जब स्थापन हुआ दिल्ली में, तो वहाँ कौन भाई मुख्य इंचार्ज बनाया गया? जगदीश भाई बनाया गया। वो कहाँ से बाहर से जाएंगे? वो तो पहले से ही है कि मैं सरेंडर करते। हाँ निकालता है उसका क्या निकालता है? कलयुग की दुनिया में जो सबसे ज्यादा अपवित्र होंगे वो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्योरिटी का। क्या वो भाई की शुरुआत मालूम कौन से सेंटर से? नंगल, नया नंगल जो है ना, वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम बना हुआ था, अच्छा खासा चल रहा था, बड़ा अच्छा गैदरिंग होता था। लेकिन जहाँ इम्प्योरिटी आती है परिवार में तो क्या हो जाता है? संगठन टूट जाता है। तो वो सेंटर सारा का सारा उखड़ गया। कई वर्षों तक वहाँ कोई सेंटर नहीं जमा। कहाँ? कोई सेंटर कई साल तक नहीं जमा पाए, इतनी ज्यादा बदनामी फैल गई। और जो निमित्त बना, जो व्यक्ति निमित्त बना वो व्यक्ति पैसे वाला, उसने ऑफर दे दिया हम लाखों रुपया देंगे, दिल्ली में कोई बड़ा मकान खरीद लिएगा। लेकिन शर्त यह है उस बड़े मकान का मुखिया जगदीश भाई को न बनाया जाए, मेरे को बनाया जाए। तो वो आदमी बैठा हुआ है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है?
पांडव भवन। तो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, दुनिया के ग्रुप हैं, धर्म के आधार पर जो अधर्मी बन चुके हैं, उनमें सबसे नीचे गड़ा हुआ कौन सा है? नास्तिक। वो इंटीग्रिटी को बिल्कुल 100% स्टेज पर पहुंचा देता है। बाबा अभी भी नंगल में जो मुखिया है, जिसके अंदर चलती है कंट्रोल है, वो विजमोन का ही होगा। बाबा नाम भी विजमोन का है। इस्लाम धर्म का दिन कौन है, इसका बात करो। इसलिए हाँ, जो बीज होंगे वो एडवांस पार्टी में होंगे या देश में होंगे? छाछक में कौन आया बीज ये देश में? छाछक में छाछक में क्यों जाते हो? छाछक तो पैदाइश है, पैदा होते ही थोड़ा ही सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाती है। कुछ बड़ा होता है तभी तो चारों तरफ आवाज फैलती है। तो जो दुनिया के बीज है, मुख्य मुख्य कितने धर्म है? चार धर्मों के चार मुख्य बीज है ना। ब्रह्मा के संकल्पों से शक्ति रची गई, संकल्प की शक्ति से चार ब्राह्मण वत्स पैदा हुए, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। रामायण में उनके नाम रख दिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो उनमें कोई है जो सन 66 में मम्मा की गोद में पहुंच गया था? क्या देश ज्ञान में आ चुका था? कौन है? है तो भी कौन है? एडवांस में भी जब शुरुआत हुई दिल्ली में, तो उसने पहले पहले लिटरेचर छपाया, खुद का मंथन करके जो भी एडवांस ज्ञान दिया, उस एडवांस ज्ञान के आधार पर, 7 दिन के कोर्स के आधार पर बुद्धि में वो फोर्स आया कि एक ही रात के अंदर 9 पेज का प्रबंध लिख दिया और एक दिन में छपा करके और सब सेंट्रल में भेज दिया। वो पहला पहला लिटरेचर है एडवांस पार्टी का। नाम क्या है? देवका डबलू डबलू बोले अगम ने देव बोले नगाड़े का बोले। हाँ जी, तो वो आत्मा बेसिक में सन 66 में पदार्पण कर चुकी थी। एक प्रश्न के जवाब में इतना लंबा चौड़ा उत्तर एक एक सन में एक एक व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा तो ये तो बड़ी लंबी खिचड़ी हो जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा मंथन करना पड़ेगा। कोई कहे सन 67 में कौन पहला आया, अच्छा 68 में कौन पहला व्यक्ति आया? हाँ, तो दूसरा दिन नहीं होने के ब्रह्मा बाबा को दूसरा जन्म क्यों नहीं मिला? जो भी शिव बाप ने ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के तन के द्वारा, उस ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा पक्का निश्चय किसको बैठा होगा? है? बेसिक ज्ञान के ऊपर मम्मा है, मम्मा को पक्का निश्चय बैठा होगा या ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बैठा होगा? है दोनों को पक्का निश्चय किसको बैठा होगा? ब्रह्मा बाबा। जो भी ब्राह्मण परिवार में है फॉलो करने वाले, जो पक्के पक्के बेसिक नॉलेज वाले माने जाते हैं पुराने पुराने, उनको किस बात का फकुर रहता है?
कि हमने मम्मा बाबा की पालना ली है। क्या तुम तो नए आए हो कल के, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? नशा रहता है ना। तो बेसिक नॉलेज की बताओ, सबसे पावरफुल आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा बाबा हुई। तो जो ब्रह्मा बाबा अव्वल नंबर की बेसिक ज्ञान के ऊपर धारणा करने वाली आत्मा है, वो बेसिक से आगे नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी है? बढ़ेगी नहीं? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जो देवताई कुल है पक्के देवता, उन देवताओं के बीच में पहले नंबर का पत्ता कौन है? कृष्ण। क्यों वो अव्वल नंबर का पत्ता? क्यों? कारण क्या पहले पहले जी के गुण धारण है? पहले पहले जी के गुण धारण किया ब्राह्मण परिवार। हाँ, वो पहले नंबर का देवता है क्या? और जो देवताएं होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि देवताएं गुड्डू होते हैं। क्या पहले नंबर का बुद्धू कौन हुआ? एकदम नॉलेज लेने वालों में पहले नंबर का बुद्धू बेबी बुद्धि कौन हुआ? कृष्ण बच्चा। तो सतयुग में देवता बनेगा या अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनेगा? देवता बनेगा। ब्राह्मण को ऊंचा या देवता को ऊंचा? ब्राह्मण को ऊंचा। तो वो उनको तो देवता ही बनना था। अगला जन्म अगर ले ले तो फिर वो ब्राह्मणों की लिस्ट में आ जाएंगे क्या? तो ब्रह्मा थे, ब्राह्मण थोड़े ही थे। क्या थे? ब्रह्मा थे। और एक सेकंड में शक्ति कला है, जब शक्ति कला हो जाती है एक सेकंड में, तो इतने लंबे पुरुषार्थ की जरूरत है? छोड़ दो, जब 18 सन आ जाए तब पुरुषार्थ करना शुरू कर दे है। इनको आखिरी जो सेकंड है उसमें अंत मते सो गते होनी है। और वो अंत मते का आधार क्या होगा? लंबे समय की जो प्रैक्टिस है, लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसी मति वहाँ अंतिम सेकंड में बन जाएगी। एक सेकंड तो नहीं बोलना चाहिए है? एक सेकंड नहीं बोलना चाहिए। वो एक ही सेकंड का महत्व है, अंत मते जो गति। उस एक सेकंड में जो मति होगी, जिस स्टेज की मति वाली बुद्धि होगी, वैसी ही प्राप्ति होगी। इसलिए एक सेकंड का बहुत महत्व है। 70 साल पुरुषार्थ के बीत गए और आगे चल के और भी लंबा टाइम चला जाएगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो अंतिम समय का जबकि हमारा रिजल्ट आउट होना होगा, उसका बहुत महत्व है। जैसे परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने जब जाते हैं तो अंत समय में जो पढ़ते हैं वो ज्यादा पक्की पढ़ाई होती है या सारा वर्ष पढ़ते रहते हैं वो ज्यादा पक्की पढ़ाई? गैस पेपर निकलते हैं अंत समय में और गैस पेपर के आधार पर सबको कान खड़े हो जाते हैं, ये प्रश्न आने वाले हैं, और फटाफट फटाफट उन प्रश्नों के जवाब रिवाइज कर लेते हैं। तो अंत मते सो गते हो जाती है। इसलिए उस अंत मते, उस सेकंड को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और बैरू भैरव माता के पीछे पड़ा था, राक्षस था ना भैरव, माता से शादी कराना चाहता था। भैरव माने भयंकर। क्या
दुनिया में ऊंच के ऊंच पार कर ऊंच से ऊंच देवता कौन माना जाता है? देव देव महादेव। तो ऊंच से ऊंच देवता की भी पत्नी के ऊपर जो हाथ रखना शुरू कर दे तो दुनिया के लिए बहुत भयंकर होगा या कम? बहुत भयंकर होगा। उसका नाम पड़ा नदियाँ नदियाँ उनका जो जल होता है मीठा होता है ज्ञान सागर कौन है? ज्ञान सागर है बाप। बाप मीठा भी और बाप खारा भी। मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा। मीठों की संख्या ज्यादा है दुनिया में या खारों की संख्या ज्यादा है? तो खारों के लिए खारा बाप ज्ञान सागर, बाप खारा। और मीठों के लिए ज्ञान सागर, बाप मीठा। अब रही नदियों की बात, नदियां जो है वो ज्ञान सागर से भी जल उठाती है, है? उठाती है ना। जो जल बरसता है वो पहाड़ों से टकराता है, पहली बात है। कहाँ टकराता है? और पहाड़ों में बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? आल है। काहे का आल है? आल है माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर है वो। कि जो भी बर्फ पानी ऊपर से नीचे आएगा आकाश में से, वो पहाड़ पे आके क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है, है? अरे ऊपर से ज्ञान जल आया कि नहीं आया? सागर के द्वारा ही आया ना, है? आया। तो जो भी ज्ञान जल आया वो ब्रह्मा की बुद्धि में समा गया, तो वो बर्फ की तरह जाम हो गया। तो जाम हुआ जो जल है वो अच्छा या बहता हुआ जल अच्छा? बहता पानी अच्छा माना जाता है। वो हिमालय पहाड़ पर जो बर्फ जम गई, वो हिमालय राजा है, हिमालय राज जिसकी पुत्री पार्वती कही जाती है, कौन हुआ हिमालय राज? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में जो भी ज्ञान आया वो सारा जाम हो गया। सन 68 तक वो सारा ज्ञान जल बर्फ बनकर के रहा, नदी बनकर के बहा, बर्फ बन गया। फिर मनन चिंतन मंथन होता है, गर्मी आती है, गर्मी से ही बर्फ पिघलती है ना। तो जब बर्फ पिघलती है तो नदियों के रूप में बहता है, नदियों में नंबर वार यमुना भी है, सिंध नदी भी है, सरस्वती नदी भी है, और अंत में प्रत्यक्ष होने वाली गंगा नदी भी है। वो नदियां जो बर्फ से पानी ले रही है वो डिस्टिल्ड वाटर होगा या नहीं होगा? डिस्टिल्ड वाटर खारा होगा कि मीठा होगा? मीठा ही क्या होगा? सागर तो भले खारा है लेकिन सागर में से जो नदियां बनती हैं वो मीठा जल ही उठाती है, खारा जल नहीं उठाती है। क्या कारण हुआ? नदियां जो है वो मीठा जल ही बहाती है, और जो पोखरे होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें रुका हुआ पानी होता है। वो पानी दूषित होता है या नहीं होता है? वो दूषित हो जाता है। क्या कारण हुआ?
कि नदियां मीठा पानी बहाती है। नहीं, नदियां जो है वो कन्याएं माताएं, कन्या माताओं में प्योरिटी होती है, जो पवित्र बुद्धि होती है वो ज्ञान को पवित्र रूप में उठाती है। क्या ज्ञान के एक एक पॉइंट को पवित्र रूप से उसका वाइब्रेशन पकड़ेगी, और जितनी ही अपवित्र बुद्धि होगी, विचारी बुद्धि होगी, उतना ही ज्ञान को क्या करेगी, है गंदा बना देगी। तो वो पोखरों का जैसे पानी होता है, तो नदियां जो है वो मीठी होती है, और मीठी नदियां बहते बहते फिर अंत में गंदी हो जाती है या स्वच्छ जल रहता है। नंबर वार है नदियों में, कोई नदी तो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती रहती है पहाड़ों पर ही, और लास्ट में आकर के नीचे गिरती है। कोई नदी जब से आई नीचे और हरिद्वार से ही गंदी हो ना, उनमें कचरा पड़ना शुरू हो जाता है। फरुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, सब शहरों का कचरा कहाँ गिरता है, जाके नदियों में गिरता है। तो अंत में वो फिर नदियां गंदी होकर के फिर सागर में मिल जाती है। तो लास्ट में जब सागर में मिलेंगी तो खारी की खारी ही रहेंगी या मीठी रहेंगी, खारी हो जाएगी। 1947 में हिंदू, सिख और मुसलमान इकट्ठे हो गए भारत में, और अंग्रेजों को, क्रिश्चियन को जहां से भगा दिया, और उसके बाद 1947 में क्रिश्चियन को भगा दिया, इंडिया से चले गए देख करके। तो उसके बाद तब भी आपस में लड़ पड़े और इस्लाम अलग हो गया। तो इसकी बात की शूटिंग ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियन से नहीं बैठे हुए हैं, अमेरिका का हेड कोई बैठा हुआ नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, उसके हाथ में सारी सत्ता है दुनिया की, पूंजीवाद की। अरे जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी सेंटर्स ब्रह्मा कुमारी आश्रम बड़े बड़े बने हुए, मेहरबानी अटारियां अंडरग्राउंड कंक्रीट से बने हुए, वो प्रॉपर्टी है ना, है वो प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी किसकी मुट्ठी में है अभी, है क्रिश्चियन की मुट्ठी में, जिसके हाथ में ताकत है वो चाहे तो सबको लड़ा दे, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, ये क्रिश्चियन ने किया 1947 में, क्या किया अपने बचाव के लिए, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाई, हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई सब आपस में लड़े, खून की नदियां बही, ऐसे ही अभी फिर होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी होने वाला है, प्लान बन रहे हैं। क्या जब ज्ञान के ऊपर आफत आती है, जिसके ज्ञान के ऊपर आफत आती है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सारी मरता क्या करता, वो ये थोड़े देखेगा ये संपत्ति मेरी है या यज्ञ की है, वो तो संपत्ति को लड़ाई में झोंक देगा। नई बात इसमें क्या दिखाई पड़ती है, सन 47 में भी हुई, सन 47 में भी युद्ध हुआ था, सन 47 में भी छोटा सा मॉडल स्वर्ग का तैयार हुआ, वो छोटा मॉडल था, अभी बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। आपस में लड़ेंगे जरूर, और लड़ाने वाले कौन है, क्रिश्चियन। ये जो बाबा ने बताया कि जो लेफ्ट हैंड पे वो विजयी है और राइट हैंड पे जो है अपने भारत के, तो जो लेफ्ट हाथ में तो महात्मा गांधी जी को दिखाए गए हैं,
लेफ्ट हाथ में जो है महात्मा गांधी को भी दिखाया गया था, पर लेफ्ट हाथ में तो रहने वाले जो है वो विधर्मी है ना, पर महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ने जो राज्य स्थापन किया वो राज्य सिखों के हाथ में दिया, सन्यासियों के हाथ में दिया, मोहम्मद के हाथ में दिया, मुसलमानों के हाथ में दिया, इस्लामियों के हाथ में दिया, या बौद्धियों के हाथ में दिया, या देवी देवताओं के हाथ में दिया, या आर्य समाजियों के हाथ में दिया, किसके हाथ में दिया? आर्य समाजियों के हाथ में दिया। तो आर्य समाजियों के हाथ में जिन्होंने शासन दिया वो आर्य समाजी लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? क्यों लेफ्टिस्ट है? तो राइटियस धर्म, भारतीय धर्म, मास्टर दयानंद भारत के संत कहे जाते हैं, इसलिए लेफ्टिस्ट है कि आर्य समाजियों की एक प्रवृत्ति रही है जो आज की गवर्नमेंट की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? हाँ, तुम किसी भी धर्म को मानो, वोट हमको देते रहो, जहाँ देखी तबा बरा वही बताई सारी फटाक से पार्टी चेंज कर देंगे। क्या करते हैं आज के नेता? पार्टी जहाँ देखी कि यहाँ वजन ज्यादा आ रहा है फट से पार्टी चेंज कर देंगे। उनका कोई नियम कानून जिंदगी का नहीं है। ऐसे ही जो आर्य समाज की आत्माएं हैं उनका जो आधार मूर्त है अथवा जो बीज मूर्त है वो आधार मूर्त नारायण कौन से नंबर का नारायण है? सतयुग का आठवें नंबर का नारायण है। वो सबसे कमजोर नारायण है या पावरफुल है? सबसे कमजोर नारायण है वो। जो कमजोर होता है जितना ज्यादा कमजोर होता जाएगा उतना कर्जा उठाता जाएगा, दुनिया को दिखाएगा हम बड़े धनवान हमारे कंट्रोल में रहो, खुद खर्च करेगा, खूब वैभव आलीशान दिखाएगा, तो दुनिया को मुगालते में डाला ना। है तो नहीं पावरफुल? पावरफुल तो नहीं। तो सबसे कमजोर नारायण उसमें कौन से धर्म का धर्म पिता प्रवेश करेगा? आर्य समाज का जो मुखिया है वो प्रवेश करता है। तो सबसे कमजोर धर्म साबित होता है, और वो सबसे कमजोर धर्म इसलिए है कि किसी धर्म पर उसकी पक्की आस्था नहीं है। क्या उसकी आस्था कोई धर्म पर पक्की नहीं है? द्वापर उसे इस्लाम धर्म आता है, जोर देखते हैं इस्लाम धर्म का बहुत है, उनको इस्लाम धर्म में चले। देखा कि भारत में बौद्ध धर्म का जोर बहुत है तो बौद्धियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखा कि क्रिश्चियंस का जोर बहुत है तो क्रिश्चियंस में चले जाते हैं। माने किसी धर्म पर उनकी आस्था स्थिर नहीं रहती, धर्म के पक्के नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के हाथ में उन्होंने क्या किया? राज सत्ता दे दी गांधी जी ने। किसके हाथ में आई राज सत्ता बताओ? अभी जब से स्वतंत्रता मिली है तब से राज सत्ता कौन से धर्म वालों के हाथ में? कांग्रेसियों के हाथ में, आर्य समाजियों के हाथ में। उनका कोई धर्म नहीं है, खुले आम कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। निरपेक्ष माने हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। बाबा कहते हैं धर्म में ही ताकत होती है। क्या रिलीजन इज माइट, तो सारा ऊंचा हो गया। कुमार का दादी कन्या माताओं में प्रवेश करेगी और विश्व किशोर किसमें प्रवेश करेगी? प्रवेश करेगा और तो सन 78 की जो अध्यक्ष वाणियां चली हैं
उन्हें विश्वेश्वर का नाम नहीं आया है? विश्वेश्वर का नाम आया है कि नहीं आया है? आया और है क्या प्रकाश डाले तो पूछो तो प्रकाश डाले है कैसे पहचाना जाए? वो एक दरअसल पक्का रहेगा। अरे वो छह मुख वाला छह धर्मों का मुखिया होगा या एक धर्म का मानने वाला होगा? तो कार्तिकेय कैसा है? है ऐसा शंकर जी का बच्चा। लेकिन जो शंकर जी वो तो खुद मनुष्य है, लेकिन उनका बच्चा कई मुख वाला है या एक मुख वाला है? कई मुख वाला है। कभी इधर जाके बात करता है, कभी उधर जाके बात करता है। सब धर्मों की सराहना करेगा। इस्लाम धर्म सभी विदेशी और विधर्मी धर्मों का मुखिया है या नहीं है? है? जो कार्तिकेय की मान्यता है वो विधर्मियों में ज्यादा होनी चाहिए, दक्षिण भारत में ज्यादा होनी चाहिए या उत्तर भारत में होनी चाहिए? दक्षिण भारत में ज्यादा होनी चाहिए। तो ब्रह्मण्यम स्वामी है, मुर्गुण स्वामी नाम ही क्या रख दिया? मुर्गुण। मुर्गुण नाम क्यों रखा? अरे कौन सा ऐसा पक्षी होता है, जानवर होता है जिसका नाम मुर्गुण से मिलता जुलता है? मुर्गा। मुर्गा क्या करता है? सांप को जगा देगा। खुद हो जाए तो उस आत्मा ने भी क्या किया? शिव का डमरू डम डम बोले, अलोकिकम के भेद बोले, सांप को जगा दिया। अब खुद खुद होगी। उनका नाम पड़ा मुर्गुण स्वामी। है? अरे सारे धर्मों का जो बीज है वो कौन सी गोद में पलता है? हर धर्म कहाँ पलता है? दिल्ली में पलता है। हर धर्म के जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी अंत समय भी दिल्ली में ही होती है। सभी धर्मों में सभी धर्मों में परमात्मा की याद करते हैं, धार्मिक धर्म में गुरुद्वारे बनाए गए हैं उसमें एक जो गुरुद्वारा है उसका नाम मंदिर के साथ ही है, स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। स्वर्ण मंदिर बोला जाता है उसको, गुरुद्वारा नहीं बोला जाता है। क्या मूर्ति भी नहीं होती? स्वर्ण माने सोना, सोना माने सच्चा, झूठा नहीं। क्या सच्चा? और किसी मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर का नाम है क्या? स्वर्ण मंदिर। और उसमें जो तालाब है उसका नाम क्या है? है तालाब भी है कि नहीं? तालाब का नाम क्या है? सरोवर नाम है ना। वो सरोवर कौन से शहर में? अमृतसर में। सर का मतलब क्या है? तालाब। उस तालाब के आधार पर ही उस शहर का नाम क्या पड़ा? अमृतसर। जो अमृतसर है उस अमृत के सर अर्थात तालाब में वो मंदिर बीच में बना हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद में अमृत सर कौन सा है? अमृत का तालाब कौन सा है? कौन है? 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 मौंडा। मौंडा वो अमृत का तालाब है। अमृत का तालाब दिखाई पड़ता है, है? मान सरोवर, जिसे बाबा ने कहा ज्ञान मान सरोवर, पवित्र तालाब है? टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर। हाँ तो स्वर्ण जो मंदिर है वो अमृतसर में है,
माना वो जो तालाब है ज्ञान मानसरोवर, उस ज्ञान मानसरोवर में उस मंदिर को स्थापना की हुई, उसकी यादगार है। माने कोई यादगार ऐसी आत्मा भी है जो उस मंदिर में उस तालाब में ही पलती गई। जैसे हिंदुओं में नारायण को विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? है? क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब क्षीर सागर कहो, अमृतसर कहो, मानसरोवर कहो, बात तो बात एक ही होगी। तो जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जो सोने की यादगार है, कोई सोने जैसी कच्ची आत्मा है क्या? झूठी नहीं है, उसको झूठा नहीं कहेंगे, सोने जैसी कच्ची आत्मा है सिखों के बीच में। उसके आधार पर उसका नाम पड़ा है स्वर्ण मंदिर है। रावण सीता को ले गया तो सोने की सीता को ले गया या चैतन्य सीता को ले गया? सोने की सीता को ले गया। मना बल उसकी सीता तो नहीं थी, मूर्ति थी बनाई हुई, लेकिन सच्ची मूर्ति थी भगवान की बनाई हुई। यादगार में स्वर्ण मंदिर है जहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है। क्या रखा है? अकाल तख्त। आत्मा ही अकाल तख्त है क्या? अक्षर तख्त रखे रहते हैं, कोई गुरु नहीं बैठता है, क्या रखे रहते हैं? अक्षर तख्त। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा है? परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी आत्मा है जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली है, बहुत तीखी है? जगदम्बा। पर उदरमाला के जितने भी मणके हैं स्वभाव से तो सभी पुरुष स्वभाव के हैं और जन्म जन्म के राजाएं भी हैं। तो जो लाइन बोलते हैं मुरली में सभी पुरुष दुर्योधन प्रशासन है, तो पुरुष स्वभाव तो दोनों का है। तो फिर जो तन से क्या 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 स्वभाव से तो दोनों पुरुष हैं। कौन? मन, माताएं और जो भाई हैं, भाई होगा ठीक है ना, राजाएं भी दोनों हैं जन्म जन्मांतर के। और फिर जो लाइन जो है तन से हैं मेल उन पर लागू होते हैं, जो सभी पर स्वभाव के आधार पर इनका भी पुरुष स्वभाव संस्कार है। पुरुष माने कठोर, क्या लोहा ज्यादा कठोर होता है या सोना ज्यादा कठोर होता है? लोहा कठोर होता है, जल्दी मोल नहीं होता है। अब वो चाहे स्त्री स्वभाव हो और चाहे पुरुष स्वभाव हो, उन रुद्रमाला के मणकों को मोल्ड करने के लिए लंबे समय का ज्ञान सुनना और सुनाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। विजय माला के मणकों में मोल्ड होने में ज्यादा काम टाइम नहीं लगता। तो अब चाहे स्त्री स्वभाव वाले हो और चाहे पुरुष स्वभाव वाले हो, स्वभाव संस्कार को मोल्ड करने में ज्ञान आग्नि योग आग्नि ज्यादा जलानी पड़ती है। क्यों पड़ती है? 63 जन्म जो याद किया है, बुद्धि का लगाव लगाया है, वो एक के साथ लगाया है या अनेकों के साथ लगाया है? अनेकों के साथ लगाया, खुद ही लगाने गए थे या वो खुद तुम्हारे पास आए? हैं? हैं? जल्दी बता, खुद ही लगाने गए उनके साथ लगा? हम गए और हमने लगाव लगाया। तो जिनके जिनके साथ हमने लगाव लगाया अनेकों के साथ 63 जन्मों में,
वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे? है कोई कन्या है, है? और कन्या ने अनेकों के साथ लगाव झुकाव लगा लिया, तो जिनके जिनके उस चंगुल में आ गई, बन गई, तो वो छोड़ देंगे? है छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? अच्छा उस जन्म में छोड़ भी दिया तो अगले जन्म में फिर पकड़े? तो ये तो लास्ट जन्म है, इसके बाद तो फिर कोई पकड़ने वाला होगा ही नहीं, तो ये तो आएंगे। है अरे लगाव लगाया था तब क्या किया था? तब अपने आप लगाया था, अब अपने आप छोड़ दिया जाओ। नमस्कार। युग में ऊपर से जो आत्मा उतरती है किसी मिनुता में प्रकाश कर जाती है धर्म स्थापना के लिए या उसे उसी के अंदर ही रह जाती है? जिंदा कहाँ रह जाती है? क्राइस्ट में प्रवेश किया, जीसस में प्रवेश किया क्राइस्ट ने, तो उसी के अंदर रह गया या बाहर निकल गया? है अगर उसी के अंदर रह गया तो सूली का सिर्फ कौन झेलता है? है शरीरदारी झेलता है या क्राइस्ट झेलता है? वो आत्मा तो निकल जाती है। एक साल में दो बार हम क्यों भूल जाते हैं? संगम युग में सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया या नहीं मनाया? मनाया मनाया हाँ, तो शिवरात्रि हुई ना? है वो शिवरात्रि विदेशियों की थी, रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय हुआ था, शिव का जन्म हुआ या भारतीयों के लिए हुआ? विदेशियों के लिए हुआ। अब भारतीयों के लिए कब होगा? है जब चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो जाए, राम कृष्ण की दोनों ही आत्माएं संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो असली शिवरात्रि होगी। तो संगम युग में जब दो शिवरात्रियां हैं तो भक्ति मार्ग में दो शिवरात्रियां नहीं होनी चाहिए? दक्षिण भारत वाले अलग मनाते हैं और उत्तर भारत वाले अलग मनाते हैं। दक्षिण भारत वाले पहले मनाते हैं या उत्तर भारत वाले पहले मनाते हैं? दक्षिण भारत वाले मैं पहले क्यों मनाते हैं? क्योंकि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, जो भारतवासी है कुंभकर्ण वो बाद में पहचानते हैं, इसलिए दो शिवरात्रियां मनाई जाती है। कुमारियों को आश्रम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? कुमारियों को आश्रम के अंदर क्यों आने देते हैं? कुमारियों के लिए खास आश्रम खोलने की जरूरत क्या है? कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारियों के लिए खोल दे, कुमारियों के लिए क्यों खोल देते हैं? पहले तो इस प्रश्न का जवाब चाहिए। हाँ बाप जैसी सिक्योरिटी कर सकता है कन्या माताओं की, ऐसी सिक्योरिटी दुनिया में और कोई भी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी कर ही नहीं सकता। अगर मनुष्य मात्र ने और भारतीयों ने और भारत के राजाओं ने कन्या माताओं की सिक्योरिटी की होती तो भारत का पतन नहीं होता। कन्याओं की अगर बाहर की दुनिया में रह करके सुरक्षा हो जाए तो फिर उनको समर्पित करने के लिए आश्रम खोलने की भगवान को दरकार ही क्या है? माँ बाप अपने घर में रहकर के रखकर नहीं संभाल सकते? संभाल सकते कि नहीं है? अरे हाँ ना कुछ भी तो करो, नहीं संभाल सकते। इसलिए भारत में परंपरा बनी हुई है
कन्या की शादी जरूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को तो बच्चों के ऊपर मोह होता है, मोह में आकर के वो उनकी बातों को मान जाते हैं, समझते हैं हमारी कन्या बड़ी सलोनी है, बड़ी चक्की है, उन्हें पता ही नहीं चलता है ये तो भाग जाने वाली है, या दूसरों के साथ संबंध निभाली है, इसने बताएगी ही नहीं, जहां उसका दिल लग जाएगा जेब में छुपा के रख लेगी, माँ बाप को भी नहीं बताती, तो सुरक्षा हुई या असुरक्षा हो गई, घर घर में असुरक्षा है, मुरली में तो बोला घर घर वैश्यालय है, ये तो नहीं बोला कि सब आश्रम वैश्यालय, अगर सारे ही आश्रम वैश्यालय हो तो भक्ति मार्ग में शिवालय यादगार किस चीज की बनती है, शिवालय यादगार बनती है कि नहीं बनती है, कहाँ की यादगार है, इसी संगम युग में जरूर भगवान बाप ने आकर के शिवालय बनाया है, तो बाहर जाने देना ठीक है कि नहीं जाने देना ठीक है, अरे उसको बोलने वो बेचारी सरेंडर नहीं हो रही है, के किनारे जा उसको यही डर है हम सरेंडर हो जाएंगे तो हमको घर नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला, मुरली बोला है कि एक समय खाना 24 घंटे में है, एक समय नहाना, बाबा ने तो मुरली और कहा है कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं दो बार स्नान करते हैं, सुबह भी स्नान करते हैं और शाम को भी स्नान करते हैं, माने ज्ञान स्नान सुबह भी करना चाहिए और शाम भी करना चाहिए, तो ये कहां से पॉइंट निकाल लिए, एक साथ नहाना एक समय नहाना ये तो बात गलत होगी, और एक समय सोना ऐसे कहीं बोला है नहीं, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और रात में सेवा करनी पड़ी तो दिन में सोना नहीं है, सोना है प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे जन्म में गरीब बनी तो उन्होंने क्या हेरा फेरी की है? है? अरे गरीब कोई क्यों बनता है, है? साहूकार क्यों बनता है, दान पुण्य किया होता है तो साहूकार बनता है, वहां तो दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो एक जन्म के साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ यहाँ जो दान पुण्य तो करे और दान पुण्य करने के बाद फिर वापस ले ले ज्ञान यज्ञ को छोड़ के चला जाए तो साहूकार बनेगा या गरीब बनेगा, गरीब बनेगा, और तांडा लेके आया और बाबूर्ती बन के बैठ गया, क्या तांडा लेने गया माने आग लेने गया और वहीं बाबूर्ती बन के बैठ गया, तो तांडा किसे कहते हैं पंजाबी भाषा में, है आग को कहते हैं, आग लेने गया है किचन में क्या लेने गया, हमें थोड़ी सी आग दे दो, गया आग लेने और वहां मुखिया बन के बैठ गया, हम तो कौन करता है सर, है अरे
ज्ञान आदमी और योग आदमी लेने ऐसी कौन जाता है बेहद की किचन में कि लेने गया कि थोड़ी हमें भी दे दो। अब खुद बहुर्ती बन के बैठ गए, कौन है वो है? अरे कोई है कि नहीं है? माता का प्रश्न, माता को कोई एक आत्मा है जिससे जीवन की ये बात घटित होती है।